अगला क्वेश्चन आता है कि आपको प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में दो मेथड होती है, प्री टेंशनिंग मेथड एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरण और पश्चतरण। विधियों में अंतर बताए, लेकिन 10 पॉइंट ले दिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझते रहिए। प्री टेंशनिंग मेथड में क्या होता है, इसमें जो वायर होती है, वायर कैसे लिखते हैं, आइसलैंड वायर, उस वायर में टेंशन डेवलप करने के बाद मोल्ड में कंक्रीट भरी जाती है। मोल्ड मतलब सांचा, इसमें वायर में जब आप टेंशन डेवलप कर देते हैं उसके बाद जो आपका सांचा है उसके अंदर क्या कंक्रीट भरती है। पहले वायर में आपने टेंशन दे दिया, उसके बाद उस सांचे के अंदर क्या कंक्रीट भरेगी। जबकि पोस्ट टेंशनिंग मेथड में क्या होता है, मोल्ड में कॉन्क्रीट भर कर पहले आप जो सांचा है उसमें कॉन्क्रीट भरेंगे। जब कॉन्क्रीट आपकी सेट हो जाएगी उसके बाद क्या है, तारों को उस हार्ड कॉन्क्रीट के बीच में से खींचते हैं, उसकी नैमिका बनाना होता है डक्स, मतलब छिद्र। तारों को खींचने के लिए रिजिड अबार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। रिजिड अबार्टमेंट मतलब साइड में आपको क्या सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सपोर्ट कैसे होनी चाहिए, बहुत ही हार्ड दृढ़ होनी चाहिए। तारों को हार्ड हुई कॉन्क्रीट से, क्योंकि यहाँ पर आप जो तारों को खींच रहे हैं किसके लिए खींच रहे हैं, कॉन्क्रीट आपकी बहुत हार्ड होगी तो हम क्या करेंगे उसके साथ हम सपोर्ट में क्या लगा देंगे जैक। तो इसमें क्या है, जो तार है आप इसकी हेल्प से खींचेंगे, जैक की हेल्प से खींचेंगे। इसी बारे में यहाँ पर हमें अबार्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो तार है जो कि कॉन्क्रीट सेट हो जाती है उसमें जो तार हम खींच रहे हैं इसकी हेल्प से खींच रहे हैं जैक की, इसी वजह से यहाँ पर हमें अबार्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा वाला पॉइंट है, जब आप कॉन्क्रीट डालते हैं मोल्ड में, तो जब आप कॉन्क्रीट डालते हैं तो क्या होता है, आपके स्ट्रेस लॉसेस होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। जबकि पोस्ट टेंशनिंग मेथड में, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन होता है, इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से इसमें जो स्ट्रेस लॉसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। चौथा, आप जानते हैं जो कॉन्क्रीट है सेट होने के बाद क्या होता है, सुखड़ती है, जिसको हम बोलते हैं शिंकेज। तो कॉन्क्रीट के शिंकेज होने पर भी इसमें लॉस होता है। जबकि हम पोस्ट टेंशनिंग मेथड की बात करें, इसमें जो शिंकेज पर कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि जो हम इसमें तार है जिसको हम बोलते हैं डेड ऑन, उसको क्या है, हम बाद में उसके अंदर टेंशन डालते हैं, इसके थ्रू डालते हैं, जैक के थ्रू डालते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ वाला पॉइंट है, वायरों को कर्व, कर्व का मतलब वक्त, वायरों को वक्त की स्थिति में रखकर खींचना कठिन पड़ता है, क्योंकि सांचे में कंक्रीट टेंशन के बाद भारी हो जाती है। तो सीधी सी बात है, आपको इसको क्या है, वक्र में रखना है, और वक्र में अगर आप वायर को रखेंगे वो काफ़ी मुश्किल में रखी जाती है, क्योंकि जो कंक्रीट होती है वो काफ़ी भारी बढ़ जाती है, भारी हो जाती है। पांचवा वाला है, क्योंकि शेयर को रेसिस्ट करने के लिए, इसमें क्या है, जो आपका शेयर है उसको रोकने के लिए तारों को वक्र देकर खींचा जा सकता है। अगर आपको वायर को कर्व में खींचना है ताकि जो आपकी इसके अंदर शेयर डेवलप हो रही है वो रुक जाए, तो इसी वजह से आपको क्या है, वायर को वक्र में खींचा जाता है। इसलिए लिखा है परिवहन व्यय, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत अधिक आती है, यानी जो कॉन्क्रीट को ले जाना है साइड पे उसका खर्चा बहुत अधिक आता है। इसी वजह से ये जो आपकी मेथड है ये छोटे माप के मेंबर्स कि जिनकी डायमेंशन कम है उसके लिए ये ठीक रहते हैं। जबकि पोस्ट टेंशनिंग मेथड में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो रेनफोर्समेंट आप करते हैं, जो प्रबलन है वो कहाँ पे करते हैं, साइड पर करते हैं। इसी वजह से ये मेथड क्या है, लंबे पार्ट लॉन्ग स्पैन के लिए सुटेबल है। अब फाइनल वाला पॉइंट है फैक्ट्री प्रोडक्शन। फैक्ट्री प्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे आप इसका उत्पादन करेंगे। इस मेथड को हम क्या है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस पर क्या है, जब आप कोई चीज़ फैक्ट्री में प्रोडक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी रहती है। तो ये सातवां वाला पॉइंट है हमारा, फैक्ट्री प्रोडक्शन पॉसिबल है, संभव है, क्वालिटी कंट्रोल बना रहता है। जबकि इसमें पोस्ट टेंशनिंग मेथड में इसमें क्या होता है, क्योंकि ये काम कहाँ पर हो रहा है, साइट पर, इसी वजह से निर्माण में अधिक चौकसी रखनी पड़ती है। चौकसी का मतलब ज़्यादा आपको सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि साइट पर फैक्ट्री जैसी उत्तम स्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि
फैक्ट्री में क्या हो कंट्रोल स्थितियाँ रहती हैं, जबकि साइट पर उन स्थितियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। ग्राउटिंग जिसे हम बोलते हैं ग्राउटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि तारें कॉन्क्रीट में दबी रहती हैं। ग्राउटिंग के मतलब होता है जो आपने होल कर दिए उसको हम क्या हैवी मसाले से भरते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राउटिंग। उसके लिए क्या होता है आपको हाई प्रेशर गन की जरूरत पड़ती है, प्रेशर के थ्रू हम क्या उसको होल को भरते हैं उसको बोलते हैं ग्राउटिंग। तो ग्राउटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि जो आपके तार हैं वो कॉन्क्रीट में सीधे दबे रहते हैं। जबकि यहाँ पे आपने क्या है जो डक्स बनाया है, डक्स मतलब होल जो आपने बनाया है उसको ग्राउटिंग की सहायता से हम भर सकते हैं। और ग्राउटिंग क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट टास्क है तो इस काम को करने में काफ़ी मुश्किल होती है। अब नॉर्मल वाला क्या है आपका इस वाले मेथड यानी प्री टेंशनिंग मेथड में स्ट्रेसेस का लॉस अधिक होता है यानी स्ट्रेसेस की हानि बहुत अधिक होती है। जबकि हम पोस्ट टेंशनिंग मेथड की बात करें तो इससे स्ट्रेसेस लॉसेस बहुत कम होती हैं यानी कि जो प्रतिबल है उनकी हानि बहुत कम होती है। पोस्ट टेंशनिंग मेथड क्योंकि बहुत कॉस्टली मेथड होता है क्योंकि इसमें हमें क्या है दो रिजिड अपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से ये क्या है बहुत ही कॉस्टली मेथड है। जबकि हम पोस्ट टेंशनिंग मेथड की बात करें तो ये लेस कॉस्टली मेथड है एज कम्पेयर टू प्री टेंशनिंग मेथड क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 10 पॉइंट पक्का लिखने पड़ेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से याद करके इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।